हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, ओके, एज यू नो दैट इन लास्ट चैप्टर, इन लास्ट वीडियो आई हैव कम्प्लीटेड 6 चैप्टर. सो फर्स्ट चैप्टर वॉज नाउन, नाउन कम्प्लीटेड. इफ़ यू हैव नॉट सीन, फर्स्ट ऑफ ऑल गो एंड सी दैट वीडियो, ओके. एंड अल्फाबेट, दैट चैप्टर वी हैव कम्प्लीटेड. नाउन्स, ओके, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, सिंगुलर प्लूरल सेंटेंसेज, आर्टिकल्स, ऑल थिंग्स वी हैव ऑलरेडी कम्प्लीटेड, ओके. So now what we are going to do, okay? And first of all, you all have to watch that video, okay? अगर वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्रॉब्लम आपको होने वाली है, क्योंकि समझ में आएगा नहीं. और एग्जाम में इस बार मैं मोस्टली पार्ट में ग्रामर का दूंगी और कुछ डिफरेंट दूंगी. ज़रूरी नहीं कि सेम बुक का ही होगा, बट जो एक्सप्लेन किया उन्हीं में से होगा. इसलिए आपको बहुत अच्छे से वीडियो को सारी देखनी है और समझना है. ग्रामर इज़ वेरी मस्ट, ओके. अगर ग्रामर नहीं देखोगे तो वह प्रॉब्लम हो जाएगी, ओके. सो कुछ बच्चे हैं जो डेली प्रेजेंट देते हैं, लाइक अश्मीत, वेरी गुड बॉय. अश्मीत बहुत अच्छा बच्चा है, पता है. वो सारी हमेशा डेली उसकी आती है प्रेजेंट. नवदीप की भी हमेशा आती है प्रेजेंट. तो नवदीप, यू आर गुड बॉय बेटा. बस राइटिंग अच्छी नहीं है, इम्प्रूव योर राइटिंग, ओके. अब सोचो, आप लोगों का नाम लिया मैंने, कहाँ का नाम गया होगा, सारे पेरेंट्स ने देखा होगा. देखा नहीं, सुन रहे होंगे, मतलब कि हाँ, नवदीप एक बॉय है, उसकी राइटिंग डर्टी है, कितनी इंसल्ट हुई, लेकिन तारीफ भी होगी. तो ऐसे क्या करना है, अब सब बच्चे अपनी डेली प्रेजेंट देंगे मुझे. अगर नहीं देंगे तो सोचना क्या होगा फिर. डेली मैं ग्रुप में ऐसे वीडियो में नाम लूँगी, आप लोगों की तारीफ होंगी, वाह वाह मज़ा आएगा. सॉरी, ओके. सो आज का चैप्टर क्या है, एडजेक्टिव. अब एडजेक्टिव भी इसी से कुछ रिलेटेड है. मैंने बोला नवदीप, ओके. तो नवदीप क्या है, नवदीप नेम है, नाउन है. सबका नेम नाम होता है, ठीक है. नाम क्या होता है, नाउन होता है. नवदीप भी एक नाउन है, ओके. हमने नवदीप के बारे में बोला कि नवदीप कैसा है, गुड बॉय है. नवदीप, यू आर गुड बॉय, हैप्पी हो जाओ, हैप्पी. तो स्माइल करके दिखाओ जरा मुझे, पिक सेंड करना, ओके. तो अब गुड बॉय है नवदीप, तो गुड है, जो गुड क्या हो गया, वो हमारा एडजेक्टिव हो गया. तो जिस वर्ड ने नाउन के बारे में एक्सप्लेन किया कि नाउन अच्छा है, बुरा है, जैसा भी है, तो वो क्या होता है, एडजेक्टिव, ओके. क्लियर, आई होप समझ में आया होगा. नहीं समझ में आया तो फिर से मेरी वीडियो को देखना ध्यान से, ओके. वरना बहुत डांट पड़ने वाली है, और आज की वीडियो होने वाली लेंथी आपकी, बिकॉज चैप्टर लंबा है आपका, ओके. पहले हम एक्सरसाइज फिल करते हैं. क्या दे रखा है, पेज नंबर 35 है. और प्लीज़ पेंसिल शार्प होनी चाहिए आप लोग की, ओके. और रेजर लेके बैठिए, क्योंकि मैं इरेज कर दूँगी. मत कहना मैम ने इरेज कर दिया. कुछ बच्चे बोलेंगे मैम हम तो वीडियो पॉज कर लेंगे. करो पॉज, हम पेरेंट्स को कॉल करेंगे, ओके. स्टार्ट. द मैन, अभी कैसा मैन है, इन्हीं में से हमें ऑप्शंस में से हम एक लेना है और फिल करना है, ठीक है. तो द डैश मैन, मैन कैसा है, ये पतला सा है, थिन है. तो क्या आएगा, द थिन मैन. फिल करिए, फिल करना है, ओके. द थिन मैन, ओके, थिन. क्लियर. अभी ये लिखा है द डैश टाइगर, टाइगर कैसा है, वाइट. तो WHITE, वाइट. तो द वाइट टाइगर फिल करना है, ओके. नेक्स्ट, द पैक ऑफ वुल्फ्स, कितने वुल्फ्स हैं इसमें, कितने वुल्फ्स का पैक है ये, 6. तो क्या आएगा यहाँ पर, 6, ओके. फिल करना, राइटिंग प्रॉपरली होनी चाहिए. द डैश पेंसिल, पेंसिल कैसी है, शार्प, SHARP. हम बोलते हैं ना कि शार्प योर पेंसिल, ओके. नेक्स्ट, कीप डूइंग, ओके. नेक्स्ट, क्या क्या है ये, द डैश नाइट. अब नाइट कैसी है, डार्क. रात कैसी होती है, डार्क होती है. इसमें डार्क ऑप्शन नहीं दे रखा है, तो हम कुछ और फिल करेंगे. इसमें देखा कोल्ड, रात कैसी है, कोल्ड है. तो क्या आएगा, कोल्ड, COLD, कोल्ड, ओके. द डैश एप्पल, एप्पल कैसा है, रेड, RED, रेड, रेड एप्पल. द डैश चेयर, चेयर कैसी है, ब्रोकन, BROKEN, ब्रोकन चेयर, ओके. द डैश शैक कैसा है, ये जो बोरा है कैसा है, वो हैवी है, HEAVY, ओके. देखिए यहाँ पर दे रखा होगा ऑप्शन, इसी में से फिल करना था. अब हमने अभी क्या करा, हमने जो ये क्वालिटी बताई कि इनके बारे में, चाहे वो क्वालिटी अच्छी हो चाहे बुरी हो, उसकी विशेषता बताई है हमने, ठीक है. तो वही वर्ड क्या होता है, एडजेक्टिव. जो वर्ड किसी चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करता है कि वो कैसा है, वो वर्ड होता है एडजेक्टिव, ओके. आपकी मम्मी कैसी है, तो जो वो वर्ड बताएगा मम्मी के बारे में, मम्मी आपकी क्यूट है, प्यारी सी हैं, दादाजी कैसे हैं, पापा कैसे हैं, तो वो जो वर्ड आता है कैसा वाला, वो क्या होता है हमारा, एडजेक्टिव, ओके. सो अंडरस्टैंड. अब यहाँ कुछ ऑप्शन दे रखे, एग्जाम्पल देखिए. अ हॉट डे, डे कैसा है, हॉट है. अ प्रिटी गर्ल, गर्ल कैसी है, प्रिटी है. अ फैट बॉय, आजकल तो मैम भी तुम्हारी मोटी हो गई हैं. मैं भी मोटी हो गई हूँ, हाँ. स्कूल में तो आते नहीं है, किसी से आना तो देखना, हाँ मैम मोटी हो गई. अब कुछ बच्चे बोलने वाले हैं, बोल मत देना, बहुत मारूंगी, ओके. सो नेक्स्ट, अब पेज नंबर निकालिए. पेज नंबर है
पता नहीं पेज नंबर क्या है, पेज नंबर है आपका, अपने आप देखिए आप लोग क्या है, पेज नंबर 37। ओके सो अब इसमें फिल करना है। ओके देखिए यहाँ से द एंड डैश मैन, अब ये मैन कैसा है, ओल्ड है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा ओल्ड मैन, तो ओल्ड क्या है इनका एडजेक्टिव है क्योंकि उनके बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं। आ डैश हाउस, हाउस कैसा है, ये बिग हाउस है, क्या आएगा बिग है ना, BIG बिग। ओके नेक्स्ट आ डैश रूम, कैसा रूम है, डर्टी रूम, किसका रूम डर्टी होता है बताओ ज़रा, मेरा नहीं होता है मेरी बहन बोलेगी मेरा ऐसा नहीं है, मेरा अच्छा होता है। ओके मैम का रूम बहुत अच्छा होता है। ओके डैश आ डैश डॉल, डॉल कैसी है, ब्यूटीफुल। ओके डॉल तो ब्यूटीफुल होती है, जब बॉयज़ ख़राब कर देते हैं डॉल को, जिनके बेदर होते हैं ना वो ख़राब कर देते हैं सारी डॉल, है ना। अब गर्ल्स बोलेंगी यस मैम। ओके नेक्स्ट अब क्या करना है इसमें, सर्कल द एडजेक्टिव इन द सेंटेंसेस। ओके और इसी की आप एक्सरसाइज मुझे सुनाएंगे, कैसे सुनाएंगे कि द गर्ल हैज़ टू बुक्स और इसमें जो हमारा एडजेक्टिव है वो एडजेक्टिव होगा टू। ओके समझ में आ गया, आपको एक्सप्लेन करना होगा ऐसी कि सीता वियर्स ब्लैक शूज़, उसके तो इस सेंटेंस में शूज़ ब्लैक क्या है, एडजेक्टिव। मुझे आप पूरी बनाएंगे वीडियो और उसमें आप ये एक्सप्लेन करेंगे, अंडरस्टैंड। ओके सो इस यहाँ पर क्या करना है आपको, जो आपका एडजेक्टिव है उस पर आपको करना है सर्कल। सीता वियर्स ब्लैक शूज़, कैसे शूज़ है उसके, ब्लैक। शी ही इज़ अ पुअर मैन, वो कैसा आदमी है, पुअर मैन, तो पुअर क्या है उसकी एडजेक्टिव है, सिर्फ ओनली पुअर आ नहीं है। रक्षित इज़ अ टॉल बॉय, रक्षित कैसा बॉय है, टॉल है, बहुत लंबा है, टॉल। ओके नेक्स्ट फास्टली करते हैं, बहुत लंबा है आपका चैप्टर। आई लिव इन अ बिग हाउस, मैं कैसे हाउस में रहता हूँ, बड़े हाउस में रहता हूँ, लेकिन हम छोटे हाउस में रहते हैं, तो बिग क्या हो गया हमारा, एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट अर्पिता लाइक्स रेड कार, अर्पिता को कैसी कार पसंद है, रेड, तो रेड क्या है हमारा एडजेक्टिव। ही प्लेज इंटरेस्टिंग गेम्स ऑन अ कंप्यूटर, गेम कैसे हैं इंटरेस्टिंग। ओके तो इंटरेस्टिंग क्या हो गया हमारा एडजेक्टिव। नेक्स्ट हमारा आई वर्क इन अ स्मॉल ऑफिस, तो मैं कैसे ऑफिस में काम करता हूँ, स्मॉल, तो स्मॉल क्या हो गया हमारा एडजेक्टिव। शी वियर्स अ गोल्ड रिंग, वो कैसी रिंग पहनती है, गोल्ड की रिंग, और रिंग कैसी है, गोल्ड, तो हमारा गोल्ड क्या हो गया एडजेक्टिव। आपको ऐसे ही एक्सप्लेन करके भेजना है मुझे वीडियो में, क्योंकि वीडियो में आपकी मिलेंगी 10 मार्क्स। ओके अब अदर सेक्शन का पता नहीं, ए और बी में पता नहीं उनकी मैम क्या देंगी, लेकिन मैंने सी सेक्शन में ये दिया है। ओके द बोट वॉज स्वेप्ट अवे बाय द स्विफ्ट वाटर, वाटर कैसा है, स्विफ्ट वाटर। ओके सॉरी सर डन, अभी हमारा नेक्स्ट है। अब हम कुछ चीज़ कुछ वर्ड्स होते हैं जिनमें हम ER लगा के उनको क्या कर देते हैं, उनको एडजेक्टिव बनाते हैं। सपोज अब यहाँ खुद देखिए क्या लिखा है, रीड अलाउड द फॉलोइंग एडजेक्टिव इन ER फॉर्म, कुछ होती हैं जिनको हम ER फॉर्म में कर देते हैं, शॉर्ट का शॉर्टर, कोल्ड का कोल्डर, स्मॉल का स्मॉलर, टॉल का टॉलर, फास्ट का फास्टर, ऐसी सारी हैं। ओके यंग का, सब में हमें क्या करते हैं, हम सिर्फ ER लगा के उनमें हम क्या कर देते हैं, उनको हम थोड़ा सा और दूसरी फॉर्म में दिखाते हैं, लाइक उसको अभी छोटे बच्चे आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हम कैसे कंपैरेटिव फॉर्म होती हैं, एक छोटा उससे भी छोटा फिर उससे भी छोटा। अब क्या होगा, अब देखिए मेरा डॉग भौंक रहा है ना, ऐसे आप क्या भी होता होगा। ओके सो सब किस किस घर में डॉग हैं बताओ ज़रा मुझे, ऐसे आप भौंकते हैं, नहीं भौंकता है, सारी वीडियो मेरी ख़राब कर दी कोई बात नहीं, डॉगी तो है। आप लोगों को क्या करना है इसमें, अभी एक्सरसाइज देखिए, इसमें लिखा है कोल्ड तो हमने कोल्डर कर दिया, क्लेवर है तो इसमें क्लेवरर कर देंगे, क्या करेंगे बताइए, पीछे आपने देखा था ना, देखिए हम कुछ चीज़ें ऑलरेडी इसमें होती हैं, तो आपको क्या करना है उसको अंडरस्टैंड करना है और करना है, ठीक है। इसमें आप वाले सब में ER लगाना है, सब में ER लगाना है, क्लेवरर फिर से इसमें ER लगा देंगे, थिकर कर देंगे, शॉर्ट शॉर्टर आपको खुद करना है, फास्ट है फास्टर, FASTER फास्ट और ER फास्टर, ऐसे इसमें नीटर, सब में आपको लिखना है स्पेलिंग और उसमें ER ऐड करना है, ये तो कर लेंगे, अच्छे बच्चे हैं सारे मेरे, है ना, नहीं करेंगे तो समझ लेना धूम धूम पिटाई लगेगी। ओके सो लुक एट दिस पिक्चर्स एंड टिक द करेक्ट वर्ड्स एंड कंपैरिजन। ओके हमें कंपेयर करना है कि कौन कैसा है, ठीक है। अ टॉर्टोइज इज स्लो, टॉर्टोइज कैसा है, स्लो है देन द रैबिट, मतलब टॉर्टोइज के रैबिट से स्लो है या स्लोअर है, वो क्या है, टॉर्टोइज इज स्लोअर। ओके क्या है, स्लोअर देन द रैबिट, हमें बताना है इसमें से कौन सा आएगा, स्लोअर आएगा या फिर स्लो आएगा, स्लोअर आएगा। ओके हमें सब में ER वाली फॉर्म पे टिक करना है, सब में ER वाली फॉर्म पे करना है। द ट्री इज टॉलर, ओके द डॉग इज बिगर, ओके सब में हमें जो ER वाली फॉर्म है कंपैरिजन वाली फॉर्म सिर्फ उनमें टिक करना है। द बी इज स्मॉलर, द मैंगो इज स्वीटर,
ओके, दीज वर द एक्सरसाइज, आई होप आपको समझ में आया होगा। और ये रहा है आपका एक्टिविटी, आपको इसमें कलर करना है। ओके, कलर द बिगर फ्रूट, जो इसमें से बड़ा फ्रूट है उस पर आपको कलर करना है, और जो बड़ा ट्री है उसमें आपको कलर करना है। देखते हैं कौन सबसे अच्छा कलर करता है और मुझे सेंड करता है। ओके, आई होप समझ में आया होगा। सो बाय बाय, टेक केयर एंड वॉच दिस वीडियो केयरफुली।